अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम मिर्ची, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र बेटी। माँ जी आप इतनी गर्मी में मांग रही हैं, आपका कोई कमाने वाला नहीं है? बेटी कमाने वाला ऐसे एक बेटे का ऑपरेशन कराया, मर गया, बाद च बंदा ही फौत हो गरीब की कोई कमाने। कितना अरसा हुआ आपके मियाँ को फौत हुए? मेरा मियाँ ईद फौत हो रहा, छोटी बड़ी ईद परसों। फला बहुत अफसोस हुआ। अच्छा माँ जी गर्मी में बैठी आपको प्यास लगी होगी? हाँ जी प्यास लगी है। मैं आपके लिए जूस लेके आई हूँ, आपको कैसा लगा? हाँ ठीक लगा, मेरी मेहरबानी, अल्लाह पाक तेन बहुत देवे रब। अब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी बेट, ती रानी बहुत मेहरबानी तेरी, अल्लाह पाक तेन बहुत देवे रब। अच्छा माँ जी मैं ना आपकी हेल्प करने लगी हूँ, इतनी गर्मी में हमें इस चीज़ का एहसास है, आप किस तरह मांग रही हो कि आपके घर में कमाने वाला नहीं है, आज मैं आपकी हेल्प करने लगी हूँ, आपकी बेटी हूँ, बेटियों की तरफ ये अल्लाह ताला ने आपको पैसे भेजे हैं, मैंने नहीं भेजे, मेहरबानी तेरी, ये आपके लिए है। बेटे का और बेटा और बच्चे नहीं है आपके पास? और बेटे छोटे हैं, ज्यादा ही छोटे हैं। हाँ जी एक बड़ा बेटा किसी उसका ऑपरेशन कराया टेलो पे, वो कोई इस तरह सौ ना किया, कोई रिपोर्टा ना लिखी, इस तरह ऑपरेशन करके दिया, बाद में गई डॉक्टर में उन्हें आख्या भी इनू कैंसर हो गई, अल्लाह माफी दे, फिर फौत हो गया, बाद में बंदा सी उसकी टेंशन लैके बंदा ही परसों फौत हो गया, अल्लाह माफी दे। चले आप मुझे अपने अपनी बेटी को प्यार दें और मैं जाती हूँ। अल्लाह पाक जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है माँ जी, आप ठीक हैं? खैर मेरे जी शुक्र अल्लाह दा, बीमार नहीं। माँ जी आप क्यों मांग रही हैं? बीमार हाँ परेशान हाँ, कोई कमाने वाला नहीं घर में, कोई बेटा कोई बच्चा वगैरह नहीं आपको कमाने वाला? कोई नहीं, ना ना के भिज भिज के मंगनी है, बीमार हाँ, सेहत वेख का तेरे सामने। अच्छा आप अपनी दवाई के लिए मांग रही हैं? दवाई शुक्र तो आपके दवाई का मतलब खर्चा निकल जाता है इसमें?